चंद्रपुर जिले में बीते 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से गोंडपेपरी तहसील के धाबा गांव में कई मवेशियों के पानी में बहने का दुखद समाचार मिला है। चंद्रपुर जिले में पिछले कई दिनों से बारिश न होने से किसान एवं आम नागरिक काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे, मगर अब लगातार पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश अब सभी के लिए कहीं न कहीं मुसीबत बनकर आती हुई दिखाई दे रही है और जिले में कहीं न कहीं से कोई अनहोनी सुनाई दे रही है। गोंडपेपरी तहसील के धाबा गांव के बीचों बीच स्थित पुल टूटने से नागरिकों के जीवन को धोखा निर्माण हो गया है और पिछले दिनों से जिले में चल रही लगातार मूसलाधार बारिश ने धाबा से एक बहुत ही दर्दनाक खबर को सामने लाया है, जहां पर इस मूसलाधार बारिश के चलते बड़े पैमाने पर मवेशी इस पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और गांववासी बेबस और लाचार होकर इन बेजुबान जानवरों को बहते हुए देख रहे हैं और उनका कोई बस नहीं चल रहा है। ये जानकारी हमारे पास गोंडपेपरी से हमारे विशेष प्रतिनिधि नितेश डोंगरे ने हमें दी। अब इस पानी में कितने जानवर बचे हैं और कितने बह गए हैं, ये तो आने वाला ही समय बताएगा। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि नितेश डोंगरे की रिपोर्ट।